शाम की भूख के लिए आज हम लोग बनाएंगे चाय के साथ खाने वाली या फिर ऐसे भी खाने वाली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी क्रंची चने दाल की पकौड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल कुकिंग विद सोनिस किचन में। आज की मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे चने दाल के पकौड़े। पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए बनाते हैं चना दाल का पकौड़े। चना दाल के पकौड़े बनाने के लिए हमने 1 कप चना लिया है। इसको 4 घंटे के लिए हमने सोक करने के लिए रख दिया था, फूल गया है, फूलने के लिए। चना जब अच्छी तरीके से फूल जाए तो इसे धोकर एक मिक्सी ग्राइंड में डाल लेंगे। इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, दरदरा सा पेस्ट तैयार करेंगे। एकदम से पतला सा पेस्ट नहीं तैयार करना है हम लोग को। इसी तरह से हमने सारे चने दाल को पीस लिया है। अब हम लोग कुछ मसाले लेंगे, जैसे कि लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च। इसे हम लोग खल में डाल के अच्छी तरीके से कूट लेंगे। आप चाहे तो इसे चना दाल के साथ पीस भी सकते हैं, लेकिन कूट के डालिएगा तो इससे जो मुंह में अच्छा इसका क्रंच आएगा। साथ ही हम लोग 2 प्याज लेंगे, छील कर इसे अच्छी तरीके से काट लेंगे छोटा छोटा। अब इसे हम लोग अपने बैटर में डाल देंगे। क्रश किया हुआ लहसुन, हरी मिर्च और काली मिर्च का कूट भी डाल लेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अगर आपको लगे कि बैटर पतला है, गीला है, तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून बेसन मिला लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा गीला लग रहा है, इसलिए मैं 2 से 3 टेबल स्पून बेसन मिला रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लें इसमें। अब हमारा बैटर बिल्कुल ही तैयार है पकौड़े के लिए। चलिए अब तेल की ओर चलते हैं। तेल भी अच्छा खासा हम लोग का गर्म हो चुका है, तो चलिए अब इसे एक एक करके पकौड़े को हम लोग इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों, इसमें हमने कोई भी इनो सोडा का यूज़ नहीं किया है। ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा फ्लफी और क्रिस्पी क्रंची बनके तैयार होता है पकौड़ी। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। सभी पकौड़े को हमने तेल में डाल लिया है। 2 मिनट होने के बाद इसमें कड़छी लगाइएगा। देख सकते हैं पकौड़े जो है हम लोग कढ़ाई के तले को छोड़ चुका है। तो इसी तरह से चलाते हुए, अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग पकौड़े को फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, पकौड़े का कलर चेंज होने लगा है। हम लोग एक पकौड़े एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। ये बिल्कुल ही परफेक्टली फ्राई हो चुका है, ये निकलने के लिए तैयार है। तो चलिए अब इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा दोस्तों कि कितना ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बना है। तो हमने इसी तरह से सारे पकौड़े बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे आप चाय के साथ, तीखी चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ खाइए। गर्मा गर्म चाय के साथ शाम के समय चाय के साथ ये पकौड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दोस्तों, इस पकौड़े की सब्ज़ी भी बनती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपको सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए उसका वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। दोस्तों, मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। सारे इन्ग्रीडियंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ चेक।